चली जा अन्ना के, अब चली जा घर के बुरे काम, आज के बाद तो क्या करेगी मैं। ए काम तो करे हमार चूती, एकर मतलब ती घर के काम न करबे, एकर न कर अब रे। ओ की है तो अन्ना करे तो घर के काम न करबे, एक काम न करा घर के काम न करबे, एक काम न करा। अरे अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है बहन, मेरी बात सुनो। अरे मेरी माँ रे, अरे सही बात बहना तुम मुझसे बताना, सही बात कुछ भी छुपाना नहीं अपने, बहन आखिर बात क्या है, किस लिए रो रही हो, आखिर बताओ मैं जानना चाहता हूं। हरे गई पुती किस्मत है मेरे ना तुम्हारी, खाके कसम कहती है मैं तुम्हारी, खाके कसम अनिल के चक्कर में फंसी तेरी बीबी। ये क्या कह रही है, मैं सच कह रही हूँ भैया, खाके का कसम कहती हूँ तुम्हारी, खाके कसम अब कहती तुम्हारी। बस गवर्नर बहना जुबा लोक लो, आज तक कहते हुए सर में आई नहीं, से पहले तुझे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तू ऐसा क्यों कह रही है, इसी में भला है तू मेरा घर छोड़कर यहां से चली जा। भैया हम तो हर कसम खाए के कहते हैं भैया, हम इन्हन के चोरी जवाज पकड़े हैं, अब कहे कि चलते हैं भैया को बताई दे, अब पापा को बताई दे, अनिल हमका लाग जबरदस्ती पटक के मारे, कहे अगर एक एक बात बताई दे तो तुहार हम खून पी जा, तब हम चिल्लाने भैया तब तब सु आई गया, तुहार कसम खा खाते भैया। आज तक मेरी बहन कभी मेरी कसम नहीं खाती थी, आज मेरी बहन मेरी कसम खा रही है,
तो ठीक है, ठीक है, मुझे तेरी बातों पर विश्वास है। मैं अनिल को बुलाकर अभी पूछता हूँ। पूछ ले भैया। अनिल, मैं ये जानना चाहता हूं, ये जो तुम्हारी यानी मेरी बहन तुम्हारी बहन है, ये क्या बहन अंजलि सच कह रही है? सच सच बताना भैया। इसमें पूछने की क्या बात है मेरे भाई? आप तो अपने भाई के चरित्र के विषय में जानते होंगे, और अगर आपके निगाह में मैं गुनहगार हूं या अगर बहन सच कहती है तो जो आपके जिम है आप सजा दे सकते हो भैया, लेकिन मैं भाभी को अपनी मां समझता हूं, और कौन इस संसार में अपनी भाभी मां के साथ ऐसा कर सकता है? भैया, चोर कहने कहे कि हम चोरी करे हैं? सही कहा दिया। तुम अपनी आंखों से देखी हो बहन? हाँ भैया, अगर हम झूठ बोलत होई तो हम बहन ही मर जाए भैया। क्यों बे हराम जादे, मैं तुझे भाई समझता था लेकिन तू भाई नहीं कसाई निकला। अरे ओ अंजना इधर आ, मैं तुझे क्या से क्या समझा था और तू क्या निकले? स्वामी जी, आपकी बहन जो कही वही आप मान लिए, मेरे ऊपर आपको विश्वास नहीं है। जिस देवर को अपना बेटा ही समझी, आज उस देवर के साथ मैं ऐसे हो सकती हूँ? हराम खोर, क्या मेरी बहन जो अपनी आंखों से देखा वो सच नहीं था? वो सच नहीं है, झूठा इल्जाम उस पर लगा रही है। मैं नहीं जानता कुछ, उसी में भलाई है। तो मेरा घर छोड़कर अभी और इसी वक्त यहां से हरामखोर, तू मेरा घर छोड़कर अभी और इसी वक्त जाएगी। स्वामी जी, आप ऐसे कह रहे हो, मुझे विश्वास नहीं था कि आप मेरे साथ ऐसे करेंगे। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, इसे मलाई है, तू मेरा घर छोड़कर अभी और इसी वक्त भाग जा। स्वामी जी, अगर मुझ पर विश्वास आपको खत्म हो चुका है, मैं ये घर छोड़ के चली जा रही हूँ। मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। हेलो, हेलो, हाँ।
मैं तो ये घर छोड़ के जा रही हूँ, एक दिन आप बहुत पछताएंगे। मैं पछताऊंगा नहीं, तेरी शकल देखना पाप है, तू इसी वक्त अभी यहाँ से मेरी नजर से दूर हो जा। मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मुन्ना अपना ख्याल रखना। रब जो चाहे वही तो होना है, मार कर भगा दिया, लेकिन ये तेरा भाई है, तू इससे बात कर और इसकी शक्ल देख। भैया मुझे भाई मत कह। मेरी बात सुनो मेरे भाई, मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता बोल। करुणा भैया इतने ना रो, नहीं है इसमें मेरा। क्या तेरा नहीं दोस्त, क्या मेरा इसमें दोस्त है? छोटे भाई पर से विश्वास अगर रूठ गया तो कोई बात नहीं भैया, एक घर तो छोड़कर चला जा रहा हूं, लेकिन एक न एक दिन आप इतना पछताओगे भैया। मैं अपने छोटे भाई को ढूंढने पर भी नहीं पाओगे। मैं ये नहीं सोचा था कि तू मुझे यहां रोककर इतना बड़ा ड्रामा करेगा, इसीलिए तू उस दिन मुझे जाने से रोका, नहीं तो मैं घर छोड़कर जा रहा था। मैं लेकर अगर घर से चला गया होता तो शायद आज मुझे यह दिन नहीं देखना होता। कोई बात नहीं है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं घर छोड़कर चला जा रहा हूं भैया, लेकिन एक दिन ये अंजलि बहन आपके ऊपर इतना सितम ढालेगी और इतना दुर्व्यवहार करेगी कि आप को हेरे कोई जगह नहीं मिलेगा भैया। अरे जब तोरी किनारे हमारे भैया कर ही ठीक है भैया, चले चलती
चला। चलो घर पर चलकर खाना निकालो, मुझे भूख बहुत जोर से लगी है। खाना खा ले, हम चलते हैं तुरंत खाना निकाले। तू अब हाथ गोड़ दो। ठीक है बहन, चलो। हाँ तो आप लोग के सामने से बोली बारी धनिया आवा हो अपने बलमुआ से बोली बारी धनिया आवा हो चलीना पिया अपनी सेवनिया आवा हो चली अपने पता नहीं क्या रहता है, अनीता बहू के चक्कर में परेशान रहता है। लेकिन कब से मैं आया हूँ, निपैया नहीं दिखाई दिया। आने दो साले को तो बताता हूँ मैं। मराई, अरे यार काका कहे चाहिए एक ही रे आओ। हाँ बोला।
कबे ए बता बे तू कहाँ रहती था बे? कहाँ रहती था बे? देख ला भैया हरा इनका पता ना आया है हम लड़की हैं कि मनाई कहाँ रहा थे आ? ए बता बे आ काका तू घर से कहाँ गायब रहता है बे? काका जाना था काम धंधा कर मुझे दिखाई नहीं पड़ता बे। अरे काका तुम्हारे पिछवा तो ला रहे यार मैं आगे आगे तू पीछे पीछे चल रहा है बे। मेरे घर से खून आया था। खून? अरे काका खून आए हुई यार तेरे माई के रही बे तेरे माई को बैठी की परी बका देख ले बुढ़ाई गा है भैया हर इनका चार बोझ चैला के जरूरत बात है और इनका अभी लबर चटाई जाता ना ही बे। अरे यार काका फोन आ रहा का बात भाई? यही बात हुई थी बे हाँ। तुम्हारे माँ के लड़का पैदा होने वाला है बे। अरे यार काका देखा मस्ती जिन करा यार जौन हो साफ साफ बतावा के बे नपैया क्या तेरी माँ का पैर फूला है बे? नपैया अरे काका नाम ना वे छोटू कह दे अरे बता मेरा भाई हरबिनवा प्रधान कहाँ है बे? हरबिनवा नहीं यार अरविंद प्रधान कहाँ है बे? जाना काका वो जौन भाऊजी नहीं बैठे अनीता भाऊजी तो क्या हुआ बे? वो नहीं के चक्कर में परा बाटे बहू उसको कमरा में बंद किया है काका। क्यों बे वो कमरा में बंद किया है तो तू बाहर क्यों नहीं आया बे? काकरी काका अगर हम बाहर बैठा ही देखभाल करते हैं बस उसका ताला बंद करे है। देख बे मैं चल रहा हूँ बहू अनीता के पास मैं घर में कोई गलत काम नहीं होने दूंगा बे। सही है देखता हूँ हर बिनवा वरदान क्या करता है बे। क्यों बे तू भी चलेगा? चल अब काका मुला ऐसे ना ऐसे ना अंगना के लिपी पोती नीति बाद हरिया हो मयना हो मरे अंगना के लिपी पोती नीति बाद हरिया हो मयना हो मरे आवा माई खोली दा के तो 8 दिन पूरा हो गया भाभी माँ। हाँ मुन्ना यही सोच रही हूँ कि आज 8 दिन पूरा हो गया है मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाभी माँ आप बैठ के आराम करिए। भाभी माँ भगवान के ऊपर भरोसा रखो कि भाभी माँ तो तुझे कुछ नहीं होगा। भाभी माँ आप बैठ के आराम करिए। भाभी माँ ठीक है मुन्ना। तोरा नहीं कब आओगी क्यों